नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आए हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त कंबाइन हार्वेस्टर। दोस्तों अगर आप एक ऐसा कंबाइन हार्वेस्टर देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो लेबर की कमी की वजह से गेहूं की कटाई के टाइम पे, मक्का की हार्वेस्टिंग के टाइम पे या फिर धान की कटाई के टाइम पे हार्वेस्टिंग करने के जो दिक्कत होता है वो लेबर का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा कंबाइन लेकर के आया हूँ जो मल्टी क्रॉप भी है और साथ साथ टू इन वन भी है। वो कैसे है कि आपकी एक से ज़्यादा फसलें निकालेगा और आपके जैसे गेहूं हो गया तो गेहूं भी निकालेगा, साथ में भूसा भी बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो कंबाइन आपके सामने दिख रही है इनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मॉडल है, कितना प्राइस है, कैसे फाइनेंस होगा और बड़ी ही आसानी से बहुत ही कम पैसे में 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करके ये कंबाइन आप अपने घर लेके जा सकते हो। वो कैसे लेके जा सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे सारे वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा जो है इस तरह से, हमारे पास जो पहला मॉडल है वो पनेसर G16 मॉडल है, दूसरा मॉडल हमारे पास है पनेसर SC95। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें इस मॉडल के बारे में तो ये जो मॉडल है वो 74 HP का मॉडल है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस मॉडल के बारे में तो ये जो पनेसर G16 है, एक G60S भी आता है, तो इसकी जो कटर बार आप दिख रहे हैं आपको ये 8 फुट का है। तो 8 फुट से लेकर के 14 फुट तक के कटर बार में ये कंबाइन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब अगर बात करें दोस्तों आगे से शुरुआत कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 6 जो है स्पाइंस दे रखे हैं इस तरह के, जो कि हमारी जो लाख होता है, जो हमारा फसल होता है उसको बटोरने में आसानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई के साथ हमारे जो फसल होता है उसको ये काटता है कटर बार पूरा, आप देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि 8 फुट के होने की वजह से इसको कहीं पर भी ले जाने में लाने में आसानी होती है। आप रोड पर भी लेके जा सकते हैं या फिर जो भी हमारे छोटे चक रोड होते हैं या छोटे मोटे रास्ते होते हैं वहाँ पर भी बड़ी आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, इस कटर बार को आपको डी अटैच या अलग करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कैसा ले जाओ और ऐसा कैसा खड़ा कर दो आराम से चला के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटे किसान के लिए वरदान है ये कटर। अब अगर बात करें यहां से देखेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा हैवी ड्यूटी, पूरा जो है इसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पूरा जो माल होता है वो अंदर जाता है और डबल थ्रेशर मशीन है, 2 थ्रेशर इसमें दे रखे हैं जो कि हमारा जो माल अंदर जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफाई से, जैसे क्या होता है कि सिंगल थ्रेशर में अगर सफाई ना हो पाए तो दूसरे थ्रेशर में प्रॉपर कंप्लीट सफाई होकर के हमें साफ अनाज हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली में हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद पीछे अगर आएंगे तो यहाँ पर अगर बात करें इसके टायर्स के बारे में, इसमें आपको 15/9/28 के टायर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे एग्री क्लास इनका टैगलाइन है, पूरा यहाँ से देख सकते हैं पनेसर G16 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और ये जो मॉडल है वो नॉन एसी केविन है। दोस्तों क्या है कि ये पनेसर ग्रुप ने ये इस तरह का कंबाइन बनाने का प्रयास किया है कि ये किसान के बजट में रहे, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हर कोई इसको ले सकता है, चाहे वो एक छोटा किसान भी है वो भी इसको आराम से ले सकता है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। साइड से अगर साइड का लुक देखोगे तो कुछ तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे TAF डबल थ्रेशर की पूरी ब्रांडिंग मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी है और ये सारे के सारे चेन सिस्टम है और पूरा जो है जो भी इसमें अरेंजमेंट है वो दे रखा है। बाकी दोस्तों अगर मैं बताऊँ इसके जो भी इसकी क्वालिटी के बारे में अगर आपको बताऊं तो जो भी घिसने वाले पार्ट्स हैं, लोहा का जो क्वालिटी है वो तो A1 है ही है, लेकिन जो घिसने वाले पार्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे प्रॉपर स्टील में, अच्छी क्वालिटी वाली स्टील में आपको मिलेंगे जो घिसने वाले पार्ट्स, जैसे कि जो घिसन होती है वो कम से कम रहे और लंबी लाइफ तक हमारी जो मशीन है वो चलती रहे। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से तो ये आपको एयर टैंक मिल जाएगा मशीन पे सफाई करने के लिए, या फिर जो भी हमारा डस्ट हो जाता है, जो भी हमारा कचरा हो जाता है उसको साफ करने के लिए एयर टैंक भी लगा हुआ है। सारी फैसिलिटी है, 4-व्हील ड्राइव मॉडल अवेलेबल है, डबल जैक लगे हुए हैं इसको रोटेट करने के लिए और आगे पीछे जो टायर हैं आपको मिलेंगे इसमें वो मिलते हैं 750/16 के, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी G16 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद पीछे से अगर इसका लुक देखें तो पीछे से कुछ इस तरह का मिलेगा, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी बॉक्स यहाँ पर पूरा इनका दे रखा है, पनेसर agrotech.com करके इनकी वेबसाइट का दे रखा है। उसके बाद अगर बात करें लाइट्स के बारे में तो ऊपर भी आपको डबल लाइट्स मिल जाएंगी जो कि LED हैं, और बात करें रियर डिपर्स के बारे में तो जो डिपर्स हैं वो भी LED प्रोवाइड करे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें एक बजट फ्रेंडली कंबाइन मिल रही है तो हमें चीज़ें नहीं मिल रही, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और पीछे का जो लुक है आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, पूरा देख सकते हैं, इंडिया का नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है कंबाइन हार्वेस्टर में पनेसर ग्रुप। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे ये जो कचरा होता है वो यहाँ से निकलता है पूरा जो भी हमारा रहता है। और दोस्तों क्या है कि जो टेक्नोलॉजी भर भर के दे रखी है, कैसे देखो क्या है कि यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर आपके मशीन के चक्कर को रीड करेगा, कितने चक्कर पे हमारी मशीन चल रही है उसको कैसे हमें मैनेज करना है, तो ड्राइवर को डैशबोर्ड में ये दिखा देगा, उसके चक्कर वो वहीं से
वहीं पे डैशबोर्ड में देख करके कम या ज़्यादा चक्कर को कर सकता है मशीन के अपने हाथ से, वहीं पे देख सकते हैं। और जो पूरा इसमें आप बड़ी आसानी से कंबाइन हार्वेस्टर पे पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजीली इसको इजी टू ड्राइव है, आराम से जो है मशीन पे बैठ करके कोई भी नॉर्मल एक किसान अपना आराम से चला सकता है। पैडल भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्लच ब्रेक यहाँ पे दे रखे हैं, और सारे के सारे जो गियर हैं इसमें 3 गियर्स इसे यहाँ पे मिल जाते हैं, और सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, 2 लाइटें लगी हुई हैं आगे, जैसे जो नाइट में भी विज़न आपका अच्छा खासा रहे। मिरर दे रखे हैं साइड व्यू के लिए, और इसके जहाँ पे बॉक्स दे रखा है बहुत बड़ा सारा, इसमें कोई भी सामान अपना रख सकते हैं, ज़रूरी सामान जो भी है। ये जो फ़ैन लगा हुआ है, इस फैन का काम क्या है कि जब मशीन चलती है धान या गेहूं निकालते हैं तो क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत सारा जो डस्ट होती है वो ड्राइवर के मुँह में ना जाए, ड्राइवर तक ना पहुँचे, उसके लिए फ़ैन लगा हुआ है जो फ़ैन को डस्ट को एकदम से साइड में निकाल देता है, और जो डस्ट होती है वो ड्राइवर तक ना पहुंचे, इसके लिए दे रखा है ये फ़ैन। बहुत ही अच्छा है ये फीचर, ड्राइवर की जो जो गंदगी भरा होती है वो अंदर ना जाए और सुरक्षित जो है ड्राइवर चलाता रहे। उसके बाद अगर बात करें इसके हेडलाइट्स के बारे में, तो हेडलाइट्स यहाँ पे दे रखे हैं जो कि LED प्रोजेक्टर लाइट्स दे रखे हैं यहाँ पे, पूरा देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में। सामने आपको पनेसर G60 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बताऊं, ये जो कंबाइन है इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये जो कंबाइन है वो 14 फुट के कटर वार के साथ में है। दोनों ही कंबाइनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सारा जो गियरबॉक्स इस वाली कंबाइन में है सेम वही गियरबॉक्स आपको इस वाली कंबाइन में देखने को मिलेगा। अगर आपका इस वाली कंबाइन में कोई भी पार्ट खराब होता है तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से पार्ट लेंगे होती है, वही पार्ट्स आपके इसमें डल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम जगह से आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों क्या है कि ये जो कंबाइन है ये आपको 133 HP के वही BS4 6 सिलेंडर के साथ है, और वो 4 सिलेंडर के साथ है, तो ये जो मशीन है वो 1 घंटे में लगभग 1.5 से 2 एकड़ हार्वेस्टिंग कर सकती है, और वो जो मशीन है वो 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग कर सकती है ये वाली मशीन। अब बात करते हैं ये कितना स्टोर कर सकते हैं अनाज को अपने टैंक में, तो ये जो मशीन है वो अपने टैंक में लगभग 8 से 10 क्विंटल गेहूँ स्टोर कर सकते हैं, और ये जो मशीन है वो लगभग 18 से 20 क्विंटल अपने टैंक में जो गेहूँ या जो भी फसल होती है वो उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया इनमें दोनों में अंतर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर कोई किसान भाई इन मशीनों में से कोई भी मशीन को लेना चाहता है, इस मशीन को लेना चाहता है, इसको लेना चाहता है, दोस्तों इस कंपनी के थ्रू किसानों के लिए बहुत ही विशेष बहुत ही अच्छा खासा ऑफर दिया जा रहा है। लगभग 90% तक आपके सिविल के हिसाब से आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, आप किसी भी बैंक से करवा सकते हैं, SBI या जो भी आपका नियरेस्ट बैंक है, आपके सिविल पे डिपेंड करेगा कि आपका सिविल कैसा है, और लगभग 90% तक लोन आप करवा सकते हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि एक ट्रैक्टर जब आप लेने जाते हैं, सेम ट्रैक्टर के डाउन पेमेंट जो आप देते हैं 2 से 2.5 लाख रुपये में आप इस मशीन को अपने घर लेके जा सकते हैं बड़ी आसान किस्तों पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों और अधिक जानकारी आपको चाहिए इस मशीन के बारे में तो नंबर दे रखे हैं डिस्प्ले पे, उन पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं इस मशीन के बारे में। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं। अगर आपको कोई सवाल आ जाता है इस वीडियो में या जो इस मशीन के बारे में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।